हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आई एम विक्की भारद्वाज। आज हम क्लास 7 का हनीकॉम्ब का चैप्टर क्वालिटी करने जा रहे हैं। दिस इज रिटन बाय जोन्स गिल्सवर्थी। ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर के थ्रू में एक ऐसे शूमेकर के बारे में जानेंगे जो अपनी होल लाइफ जो है शूज को बनाने में बिता देते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू वॉन्ट योर लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोज, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये बताइए कि किसी शू बनाने वाले को, किसी बूट बनाने वाले को आर्टिस्ट कहा जा सकता है? और अगर कहा जा सकता है तो उसमें उतनी ही स्किल और उसको अपने बिजनेस पर उतना ही प्राउड हो जितना किसी आर्टिस्ट को होता है। ऐसी एक स्टोरी है मिस्टर गैसलर, जो जर्मनी में शूज बनाने वाला जो था वो लंदन में आकर रहने लगा, वहां पर आकर बस गया। और आगे क्या होता है स्टोरी में, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये जो स्टोरी है इस कहानी के ऑथर से स्टार्ट होती है। और इस कहानी जब ऑथर बताता है कि वो शू मेकर को अपने बचपन से जानता है क्योंकि वो उसके फादर के लिए शूज बनाया करता था और वो अपने बड़े भाई के साथ अपनी शॉप में रहता था जो लंदन के फैशनेबल पार्ट की एक छोटी सी गली में था। उस शॉप की एक अलग ही डिस्टिंक्शन थी, स्पेशलिटी थी, पहचान थी और इस पर गैसलर ब्रदर का साइन बोर्ड भी लगा था और विंडो में शूज के कुछ पेयर्स भी रखे हुए थे। गैसलर ब्रदर्स सिर्फ डिमांड के अकॉर्डिंग ही शूज बनाते थे और वो जो भी शूज बनाते थे वो कस्टमर्स को हमेशा फिट ही आते थे। ऑथर जो है कुछ याद करते हुए गैसलर से कहता है कि जब वो उसके पास शूज लेने गया था और ऑथर ने अपना जो फुट, अपना पैर आगे करते हुए पूछा, मिस्टर गैसलर क्या ये काम करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है? तब वो स्माइल करते हुए कहता है कि ये एक आर्ट है क्योंकि इस उसको बनाने और मैं जो कई शूज को बनाने में कई दिन लग जाते थे, इसलिए उसके पास जो है बार बार जाना भी पॉसिबल नहीं था और उसका जो काम जो होता था वो टेम्परेरी नहीं होता था, वो काम जो है लंबे लॉन्ग टाइम तक चलते थे उसके शूज, और वो शूज जो थे पूरी अपनी आत्मा के साथ बनाया करता था। उसके शॉप में जब अंदर जाते थे तो वो दूसरी शॉप्स की तरह नहीं थी, वहां ऐसे बैठते थे जैसे किसी चर्च में बैठे हो और वहां पर एक सिंगल वुडन चेयर थी और फिर एक गुटुरल साउंड्स में हार्श साउंड, टक टक की साउंड की जो है लकड़ी की स्टेयर्स पर स्लीपर्स के टक टक की साउंड आती और वो विदाउट कोट पहने सामने खड़ा हो जाता था, लेदर की बेल्ट पहने होता और उसकी बाजू जो है पीछे की तरफ मुड़ी हुई होती थी और आईज ब्लिंक चमकती हुई होती थी जैसे शूज के सपने में से जाकर आया हुआ। ऑथर कहता है कि मैंने उससे पूछा, मिस्टर गैसलर आप कैसे हो, क्या तुम मेरे लिए रशियन लेदर के शूज बना सकते हो? तो वो बिना कुछ बोले जैसे वो आया था वो वैसे ही शॉप के किसी दूसरे जगह पर चला गया और मैं वहीं वुडन चेयर पर बैठा रहा और थोड़ी देर बाद वो वापस आया और उसके हाथ में गोल्डन ब्राउन कलर का लेदर था और उसने तब वो मुझे दिखाया और बोला कि ये तुम्हें कब चाहिए? तो मैंने जवाब दिया कि जितनी जल्दी हो सके तुम ये दे देना। तब उसने मुझे जो है, ऑथर कहता है कि मुझे 15 डेज का टाइम दिया और अगर वहां पर उसका बड़ा भाई होता तो वो बोलता कि मैं अपने बड़े भाई से पूछकर बताऊंगा। तब मैंने जो है बड़बड़ाते हुए कहा कि थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, और मैं फिर वापस जो है डोर की तरफ मूव हो गया और मुझे उसके स्टेयर से ऊपर जाते हुए टक टक की जो साउंड थी, जो टक टक की आवाज थी उसके बूट्स की, वो मुझे सुनाई दी। ऑथर कहता है कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब मैंने उससे कहा कि मिस्टर गैसलर ये जो बूट्स हैं ये क्रीक साउंड करते हैं, क्रीक साउंड मतलब चों चों की साउंड करते हैं, कई बार हम जब चलते हैं तो कई बार जो शूज जो है वो साउंड करते हैं, क्रीक साउंड करते हैं। थोड़ी देर तो मिस्टर गैसलर जो है कुछ भी नहीं बोला, शायद वो सोच रहा था कि वो मैं जो है अपनी कंप्लेंट जो है वापस ले लूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रुक के बोलता है कि इसे आवाज तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि ये जो है ये आवाज करता है। तो उसने जो है अपनी आईज को जो है नीचे कर लिया और फिर वो बूट्स के ऐसे देखने लगा जैसे बूट्स के बारे में ध्यान कर रहा हो और फिर बोला कि इन्हें वापस भेज दो, मैं इन्हें देख लूंगा। थोड़ी देर बाद वो धीरे से बोलता है कि कुछ शूज जो होते हैं वो शुरू से ही खराब होते हैं, अगर मैं इसे ठीक नहीं कर पाया तो मैं इसे तुम्हारे बिल में से काट लूंगा।
आगे उथर कहते हैं कि एक बार मैं ऐसे ही बूट्स पहनकर उसकी शॉप में चला गया जो मैंने किसी बड़ी शॉप से खरीद रखे थे, और तब उसने बिना कोई मुझे लेदर दिखाए मुझसे जो है मेरे शूज का ऑर्डर ले लिया, और मेरे पहने हुए शूज को ध्यान से देखने लगा और बोला कि ये तो मेरे बनाए हुए शूज नहीं है। तो उसकी आवाज़ में उस टाइम ना गुस्सा था, ना कोई एंगर था, और ना ही ये जो बात उसने मुझसे जो कही थी ना परेशान करने के लिए कही थी इस बात से जो है। लेकिन फिर भी मेरा ब्लड जो था फ्रीज हो गया, मेरा खून जो है एकदम ठंडा हो गया, और फिर उसने जो है मेरा हाथ जो है अपने मेरे उस शूज़ के ऊपर उस जगह पर रखा जहाँ वो शूज़ जो है मुझे परेशान करता, जो बूट्स जहाँ पर मुझे परेशान करता था। और फिर वो बोला कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज की कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और वो फिर वो बिटरली कड़वाहट के साथ काफ़ी देर तक बोलता रहा। आज से पहले मैंने कभी भी उसे अपने बिजनेस, अपनी कंडीशंस या हार्डशिप के बारे में बोलते हुए नहीं सुना था। शूमेकर गैसलर कहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज को एडवर्टाइजमेंट के बेस पर उन्हें काम मिल जाता है, लेकिन अगर उनके काम देखा जाए तो काम के आधार पर उन्हें काम नहीं मिलता। बड़ी बड़ी वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने हमसे हमारा काम जो है हमसे ले लिया, और हर साल जो है काम जो है कम होता जा रहा है। उधर कहते हैं कि मैंने पहली बार उसके रिंकल वाले फेस पर ऐसे एक्सप्रेशंस देखे थे जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे थे, ना जो पहले कभी भी दिखाई नहीं दिए थे, और उसकी रेड बियर्ड में बहुत से व्हाइट बाल अब नजर आने लगे थे। मुझे गैसलर के फेस और उसकी आवाज ने मुझे इम्प्रेस कर दिया, और मैंने कुछ ही सेकेंड्स में मैंने कई जोड़े बूट्स बनाने का ऑर्डर जो है उसे दे दिया। अब वो शूज जो है पहले से ज्यादा दिन तक चले थे, इसलिए उधर कहते हैं कि मैं 2 साल तक उसकी शॉप पर जा ही नहीं पाया। और ऑथर कहता है कि कई मंथ्स बाद जब मैं उसकी शॉप पर गया तो मुझे लगा कि उसका बड़ा भाई दुकान पर है, और तब मैंने कहा कि मिस्टर गैसलर ठीक हो, तुम कैसे हो? तब वो पास आया और बोला मैं ठीक हूँ, पर मेरा जो एल्डर ब्रदर है उसकी डेथ हो गई है, माई एल्डर ब्रदर इज डेड। अब गैसलर काफी एज्ड और वीक लग रहा था उस टाइम, और मैं जो है शोक हो गया और बोला कि आई एम सॉरी। तब गैसलर कहता है कि उसका एल्डर ब्रदर एक अच्छा आदमी था और अच्छे बूट्स बनाता था, और वो जो है अपने सिर के पर हाथ फेरने लगता है जहाँ आप जो बाल जो है बहुत ज़्यादा कम रह गए थे, और कहता है कि आपको बूट्स चाहिए, और उसने जो है एक लेदर को हाथ में पकड़ते हुए बोला कि ये एक ब्यूटीफुल पीस है। उत्तर कहते हैं कि मैंने कई बूट्स का ऑर्डर उसे दे दिया, और उन बूट्स को आने में कई दिन लग गए, लेकिन वो जो बने हुए थे बहुत अच्छे थे जो कभी भी फट नहीं सकते थे। और ऑथर कहते हैं कि मैं जो है अब्रॉड चला गया, फॉरेन चला गया। मैं 1 साल से ज़्यादा टाइम के बाद लंदन वापस आया, और एक दिन मैं शॉप के वहाँ से गुजर रहा था, पास से गुजर रहा था। जब मैं फॉरेन गया था तो उसकी जो उम्र लगभग 60 ईयर्स की थी, लेकिन जब मैं वापस आया तो मुझे वो 75 ईयर्स ओल्ड, एक ओल्ड मैन नज़र आया, और बहुत ही ज़्यादा वो वीक और ओल्ड था, और जिसने मुझे इस बार पहचाना भी नहीं। और वो बोला कि क्या तुम्हें बूट्स चाहिए? मैं जल्दी से बना दूंगा क्योंकि काम में जो है मंदा चल रहा है। ऑथर ने तुरंत आंसर किया, हाँ प्लीज आई वॉन्ट बूट्स ऑल काइंड्स, कि मुझे सभी तरह के बूट्स चाहिए। और फिर एक शाम को बूट्स जो है बनकर आ गए, और उन्हें मैंने एक एक करके पहन कर देखा, शेप में, फिटिंग में, क्वालिटी में, वो हर तरीके से बूट्स जो है बेस्ट थे। और तब मैंने चेक काटा और पोस्ट ऑफिस में जाकर जो है पोस्ट कर दिया। आफ्टर 1 वीक जब मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं शॉप के अंदर जाकर गैसलर को बताऊं कि बूट्स कितने अच्छी फिटिंग के बने हैं, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया तो उसका नाम वहां पर नहीं था, वो जो साइन बोर्ड था गैसलर ब्रदर्स का वो वहां पर नहीं था, और वहां पर एक यंग मैन खड़ा था। तब मैंने पूछा कि मिस्टर गैसलर अंदर है? तब वो यंग मैन बोलता है कि हमने ये शॉप खरीद ली है, हमने ये शॉप ले ली है। और तब मैंने पूछा कि मिस्टर गैसलर, तो यंग मैन बोला कि वो मर गया है। तो कहता है कि मर गया, लेकिन मैंने उससे पिछले वेडनेसडे को ही उससे शूज मंगवाए थे। तब
तब यंग मैन कहता है कि वो ओल्ड मैन जो है भूख के कारण मर गया, और जब उसे ऑर्डर मिलता था तो वो काम में बहुत ज्यादा टाइम लगाता था क्योंकि लोग आजकल के वेट नहीं करते, और इस तरह उसने अपने सारे कस्टमर खो दिए थे। वो घंटों बैठा रहता था, और तब यंग मैन कहने लगा कि पूरे लंदन में उसके जैसा बूट्स बनाने वाला कोई नहीं है, और कभी भी उसने कभी अपनी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करता था, और वो सबसे अच्छे लेदर का यूज करता था, और जिसका रिजल्ट ये रहा कि उसकी जो डेथ है वो मौत भूख के वजह से हुई। और वो यंग मैन बोला कि आपने अपने जो लास्ट टाइम में भी वो दिन रात जो है बूट्स बनाता रहता था, उसके पास खाना खाने का भी समय नहीं था, और उसके घर में एक भी पैसा नहीं था क्योंकि सारे पैसे जो थे वो रेंट और लेदर की पेमेंट करने में चले जाते थे। अब वो कैसे जिया ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन उसके ने जो जीवन की गाड़ी जो है वो अपनी लास्ट टाइम तक कंटिन्यूअसली खींचता रहा, और वो एक अच्छे करेक्टर का आदमी था, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छे बूट्स बनाता था। तब ऑथर कहता है कि हाँ वो अच्छे बूट्स बनाता था।